हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं खुदा हाफिज़ 2 के बारे में। एक्चुअली खुदा हाफिज़ जो 1 आई थी वो मैंने OTT पे देखी थी लॉकडाउन के टाइम पे, और अभी खुदा हाफिज़ 2 आई है तो मैं बहुत सोच रहा था कि थिएटर में जाऊंगा, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस और ऑफिस के वर्क की वजह से मैं नहीं जा पाया। लेकिन मैंने घर पर ही ये मूवी देख ली और मैं आप लोगों से रियली कहना चाहूंगा, मतलब बहुत ज़बरदस्त एक्शन मूवी है। और फर्स्ट टाइम मैंने विद्युत जामवाल को काफ़ी अच्छी एक्टिंग में देखा है, मतलब एक्शन में तो मैंने उनको देखा ही था लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने उनको एक्टिंग में देखा है। और जो शिवाली का ओबेरॉय थी, उनकी वाइफ का जो कैरेक्टर किया है वो बहुत तगड़ा कैरेक्टर है भाई साहब। मतलब रियली फर्स्ट हाफ में जो है वो थोड़ा सा इमोशनल टच देने का ट्राई किया है। मूवी के फर्स्ट हाफ में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ज्यादा, खाली इमोशनल और एक स्टोरी बिल्ड मिलेगी जिसमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जो होती है, मतलब जो खुदा ऑफिस में हुआ था उसी की स्टोरी कंटिन्यू है। तो उनकी लड़की का वहाँ पे किडनैपिंग होता है यूपी में, और किडनैपिंग के बाद में जो सारा सीन होता है वो सेकंड हाफ में आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से वो अपने बेटे को छुड़ा के लाता है और किस तरह से जो वाइफ का जो प्रेशर होता है और एक्ट्रेस का बाकी चीज़ों का प्रेशर होता है वो हैंडल करके एक्टर जो अपनी बेटी को छुड़ा के लाता है उसका सारा जो माजरा है वो इस मूवी में दिखाया गया है। एक्चुअली देवेंदु भट्टाचार्य ने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, मैं उनका तो पहले से फ़ैन हूँ। आप लोग प्लीज़ देखिए, उनकी भी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। और शिबा चड्ढा जो है वो उसमें विलन दिखाई गई है, ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा है कि कोई क्या बोलेंगे उसको, फीमेल एक्ट्रेस को विलन के तौर पे दिखाया गया है। मतलब मेरे लिए फर्स्ट टाइम था किसी फीमेल को एज अ विलन देखना, बट रियली में उन्होंने अपनी एक्टिंग काफ़ी तोड़ की है। मतलब सभी ने अपनी एक्टिंग अच्छी की है, और फर्स्ट हाफ में विद्युत जामवाल की एक्टिंग आप देखना भाई साहब, मस्त एक्टिंग की है। एक्शन के बारे में देखा जाए तो एक्शन भी काफ़ी अच्छी की है, मतलब सेकंड हाफ में जो भी एक्शन है वो काफ़ी अच्छी एक्शन है। मतलब मैंने स्पेशली काफ़ी एंजॉय किया फाइट सीन्स वगैरह, बट मुझे कहीं कहीं पे थोड़ा सा मतलब कि पिक्चर ऐसा लगा कि थोड़ा खींच रहे हैं पिक्चर को, मतलब ऐसा लगा कि स्टोरी बस छोटी सी है, बस उस बात को थोड़ा जैसे च्युइंगम को खींचते हैं ना वैसे खींच रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा बीच बीच में लगा, थोड़ा हल्का सा मुझे बोर हो रहा था। बट फिर भी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, फाइटिंग सीक्वेंस सेकंड हाफ के काफ़ी अच्छे हैं। और मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, काफ़ी अच्छे से वेल कोरियोग्राफ है फाइटिंग सीन्स। सो आप लोग प्लीज़ इस मूवी को देखिए। ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू था क्योंकि मूवीज़ में बहुत कुछ रिव्यू करने लायक नहीं है। मैं 5 out of 3 star दूंगा ये मूवी को, 1 star काटूंगा मैं कि स्लो पेस मूवी के लिए, और सेकंड हाफ जो एक्ट्रेस है मुझे उतनी पसंद नहीं आई, शिवाली का ओबेरा है, शिवाली का ही ना, हाँ शिवाली का ओबेरा है, क्योंकि एक्टिंग में ना मतलब वो जैसा उनका फर्स्ट इसमें हाफ में रोल था ना वैसा नहीं लगा मुझे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको अच्छा लग सकता है, आई डोंट नो। सो गाइज, ये मेरा छोटा सा रिव्यू था। एक बाप और बेटी का रिलेशन काफ़ी प्यारी तरीके से इसमें दिखाया गया है, इमोशंस के साथ में दिखाया गया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखो, लाइक करो वीडियो को भी, सब्सक्राइब करो चैनल को भी, और हाँ मूवी जाके देखो सबसे पहले, और थिएटर में जाओ प्लीज़, अगर हो सके तो थिएटर में जाओ, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।